इंदौर क्राइम ब्रांच और आजाद नगर पुलिस ने मिलकर एक फर्जी एसटीएफ अधिकारी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इंदौर क्राइम ब्रांच और आजाद नगर पुलिस ने मिलकर एक फर्जी एसटीएफ अधिकारी को किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार आजाद नगर पुलिस थाने में फरियादी ने शिकायत की थी, उसके साथ एक अधिकारी ने धोखाधड़ी की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से फर्जी अधिकारी को पकड़ा है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि फर्जी अधिकारी ने कई लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। डीसीपी क्राइम ब्रांच निर्मल अग्रवाल ने बताया कि फरियादी कविता मिश्रा, कदम सिंह मीणा और ओम प्रकाश आजाद नगर में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया कि शिवम पिता नरेश चौरे निर्मल सर्विस एसटीएफ अधिकारी बनकर शेयर मार्केट एडवाइजरी में इन्वेस्टमेंट, फायदे की प्लाट और जमीन दिलवाने और अन्य तरह के इन्वेस्टमेंट के फायदे कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करवाने के लिए कहता था, लेकिन जब पैसा देने के बाद किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ तो फरियादी को शक हुआ और उन्होंने अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। क्राइम ब्रांच इंदौर और आजाद नगर टीम ने मिलकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उसका साथ देने वाला चित्रांश शर्मा निवासी गांव कोदरिया को भी आरोपी बनाया है। ये दोनों आर्मी इंटेलिजेंस एसटीएफ क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लोगों को धमकाकर अपने द्वारा बताए गए इन्वेस्टमेंट प्लान में रुपया लगाने के लिए बोलते थे। इसी तरह इन आरोपियों ने लगभग 40 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी लोगों से की है। हालांकि पुलिस ने दोनों अपराधियों के खिलाफ 420 एवं अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इंदौर से विजय तिवारी की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि स्टेट साइबर सेल थाना ने व्यक्ति की शिकायत, फर्जी शिकायत बताते हुए एक व्यक्ति ने फरियादी से लगभग 3 लाख रुपये ले लिए उसको सटील कराने के नाम पे, और उसको जो है डरा धमका के और उसको अपना एक पुलिस अधिकारी बताते हैं। इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि एक व्यक्ति शिवम चावरे को पकड़ा गया है। ये मऊ करने वाला है, उसने फरियादी जो भी वो भी मऊ करने वाला है, उससे लगभग 3 लाख रुपये लिए। उससे आगे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि उसने इस तरह की ठगी, अलग अलग अधिकारी बनकर इस तरह की ठगी काफ़ी लोगों के साथ कर रखी है, क्योंकि उसने लोगों के साथ जो है एडवाइजरी के नाम पर पैसे ले रखे हैं और प्रथम दृष्टया समझ में आया 30-40 लाख रुपये उसने सिर्फ एडवाइजरी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ले रखे हैं। तो कुल मिला के व्यक्ति एक फ्रॉड छवि का व्यक्ति है जो कि अलग अलग बहाने बना के और अपने को अलग अलग पुलिस के और आर्मी के अधिकारी बना के लोगों से पैसे ले रहा था। इसमें मेरा आग्रह है लोगों से कि इसमें और भी इस तरह के जो लोग इनके साथ ठगी हुई है वो भी आगे आएँ और अपनी जो है शिकायत दर्ज कराएँ। छात्रों के साथ भी करी हुई है, पुलिस अधिकारियों के साथ भी इसने ठगी करी हुई है। तो ये जो अलग अलग पृष्ठभूमियाँ बना के जो है लोगों के साथ ठगी करता था। जैसे प्रॉपर्टी के नाम पे भी कर देता था, एडवाइजरी कंपनी के नाम पे भी करता था, पुलिस में सेटिंग कराने के नाम पे भी कर देता था। तो इस तरह की जो है अलग अलग ही कहानियाँ बना के जो है लोगों को ठगता था।